तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम टू एक्सप्लोर। मैं हूं विकास चौधरी और आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे है तो हनुमान जी का दिन है। जय बजरंगबली, जय बजरंग, जय बालाजी महाराज। तो सोचा कि थोड़ी भक्ति हो जाए, थोड़ा इस दुनिया के मोह और पाप से निकल के थोड़ा सा कुछ टाइम भक्ति को भी दिया जाए। तो इसलिए हम चल रहे हैं आज मेहंदीपुर बालाजी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं कई बार जब जयपुर जाता हूँ यार, हम दर्शन कर लेते हैं दूर से ही, हाँ भाई ये जा रहा है, ये वे जा रहा है, और बस यूँ मत्था टेक के। मगर लास्ट टाइम शायद मैं 3 साल पहले गया था। तो ये हमारे बिल्लू पाजी, राइट लेना है। अरे यार बिल्लू पाजी, तुम तो यार भावनाओं में बह गए, ये उल्टा है रास्ता। अच्छा आगे से लेके आएंगे तुम? चलो ये आगे वाला चुरा है। तो भावनाओं में बह गए जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो हमारे बिल्लू पाजी हेमंत के भाई, और आज हम दोनों ने जो प्लान किया है कि जैसा कि मैंने बताया कि चलते हैं राइट लेना, और ये एक्चुअली ग्वालियर हाईवे, और यहाँ से अब ये हाईवे वैसे सबसे परफेक्ट है, क्योंकि अगर यहाँ ग्वालियर हाईवे से लो और आराम से सीधा ये जो निकला है ये कट, यहाँ से रिंग रोड भी है आगरा के लिए। अगर आपको आगरा में नहीं घुसना है, आगरा ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर है, तो जयपुर या दिल्ली के लिए जाओ तो सीधा यहाँ से निकलो। गाइस एक चीज और बताना भूल गया, आज ट्यूसडे तो है और आज वैलेंटाइन डे भी है, लगी है, लेकिन हमारा वैलेंटाइन डे हमारे प्रभु हनुमान जी के साथ मनेगा, क्योंकि हमें इन मोह और इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं, है ना बिल्लू पाजी? जी, जी, जी। हम इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए देखिए हमारा वैलेंटाइन आज प्रभु के चरणों में मनेगा। मोह माया त्याग दी हम लोगों ने, सो नो हैप्पी वैलेंटाइन, ओनली जय श्री राम, जय हनुमान जी। देख सकते हो ये शायद कोई केले के पत्ते लगे हुए हैं, और ये देखिए ट्रक शायद फ्रेश अभी अभी पलटा है। तो यार बी केयरफुल, हैव अ सेफ ड्राइविंग, है ना बिल्लू भाजी? यस, हैव अ सेफ ड्राइविंग। और हाँ, अभी आपने शायद पहले अभी देखा होगा सीन में, हमने बेल्ट नहीं पहनी थी, तो ऑलवेज वियर अ बेल्ट। तो गाइस फर्स्ट टोल हमारा आ चुका है, कोरई टोल प्लाजा, खुल जाए सिम सिम, खुल जाए भाई, खुल गया, खुल गया, खुल जाओ सिमसिम। तो अब हमने किया है कोरई टोल क्रॉस, यूपीएससी जैसा कि हम घुमाने ले जा रहा है। हाँ नहीं बिल्कुल भाई, घुमाने ले ही जाएंगे आजकल, आज तो कपल्स काफी चलेंगे क्योंकि वैलेंटाइन डे है, और सामने आपको पता है कोरई टोल क्रॉस करते ही फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पर लाठी लेके आरएसएस वाले बैठे हुए हैं। ओ भाई सही है भाई, यहाँ तो एक नहीं बिल्लू पाजी दो दो हैं भाई। अरे हमारा वैलेंटाइन डे तो यही बन रहा है नहीं वैलेंटाइन डे तो यही लोग मना रहे हैं ना। वीडियो मत बनाओ किसी का यार। नहीं वीडियो बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि सामने से फेस पे से नहीं लिया, सही बात है उनकी प्राइवेसी है, हम उनकी प्राइवेसी नहीं ले रहे, क्योंकि वो भी फिर भाई मनाने जा रहे हैं, क्योंकि सामने फतेहपुर सीकरी आने वाला है, तो सही है वैलेंटाइन डे बनता है भाई। गाइस हम लोग आ गए हैं भरतपुर, वैसे जिन लोगों को पता नहीं हो फर्स्ट मॉल जो है वो अंदर है, और ये सेकंड जो अभी पेंटालून खुला है वो अब खुला है, क्योंकि वैसे भरतपुर में अभी तक कोई मॉल नहीं था, भरतपुर वाले मथुरा जाते थे, पता ही होगा जैसे कि आपको। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं, और अब शायद ऑलमोस्ट भरतपुर से वैसे कैलकुलेट तो किया नहीं है, लेकिन शायद आई थिंक 140-150 किलोमीटर्स रह गया होगा मेहंदीपुर बालाजी। सो ऑन द वे, अब वैसे हम सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट प्लान जो है ट्रिप का वो कहाँ करें, क्योंकि हेमंत पे टाइम नहीं है, लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब की बार हम लोग चलेंगे। यस यस, और कहाँ चलते हैं हम? कश्मीर की घाटियों को देखते हैं। बिल्कुल, और ये है नेशनल पार्क जो कि भरतपुर का। अमरेली से बात हो गई है? हाँ अमरेली तो मेरे से भी बोलता रहता है,
तो यही हमारी प्लानिंग चल रही थी वैसे कि जम्मू कश्मीर। वैसे लास्ट टाइम मैं जब वैष्णो देवी गया था तभी जम्मू गया था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार वैष्णो देवी और जम्मू से ऊपर जाएंगे कश्मीर। कश्मीर कश्मीर लद्दाख चले जाएंगे। लद्दाख, लद्दाख तो इस साल भी प्लान है, जैसा कि मैं नेक्स्ट मतलब प्रीवियस ईयर भी गया था, तो इस बार भी वैसे प्लान है। पापा जी का गिफ्ट, पापा जी का गिफ्ट। और वैसे आपको ये देखिए ये वाली टोन सुनाई दे रही होगी, ओ मैंने प्यार कर दिया। अब उसने बंद कर लिया यार, ये तो घनी बेइज्जती करने लग रहे हैं। चलो कोई नहीं, अपने खासा वाला चार के गाने चला। भगवान राघव सरकार के दर्शन प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम रूप में अगर तो गाइस हमारे चल रहे हैं भजन और ये कट तो सीरियसली यार बड़ा प्यारा कट लगता है, मैंने कई बार वीडियोस में लिया है जयपुर जाते टाइम। और ये हल्के हल्के अरावली हिल्स का नजारा भी दिख रहा होगा आपको राजस्थान में। और टेम्परेचर ऑलमोस्ट अभी 27 डिग्री हो रहा है और गर्मी तो काफी पड़ी रही है। वैसे हम ऑलमोस्ट अभी बालाजी सरकार पहुंचने वाले हैं। पता है ये चीज बड़ी अच्छी लगती है जो ये जब भी देखा हो, जब जाते हैं ना ये दोनों बीच पहाड़ काट के बनाया है जो पहले ऊपर हो गया था ना, ये जब भी मैं पहले भी गया था तो कई बार इसके ना बीच में से मैंने ये लेने में बड़ा मजा आता। क्या प्रदूषण है, क्या स्पीड वाला वो सोचा क्या? एक बार मेरे दोस्त ने भी इंटरसेप्टर समझा के बोला इंटरसेप्टर देख के इसलिए स्लो कर ली। स्पीड हो जाती है ना फिर कैलकुलेट। रास्ता नहीं है, नहीं रास्ता हुआ है, रास्ता पैदल का रास्ता है। मैं कभी भी कई बार जब जयपुर गया हूँ ना तब ये सोचता हूँ हमेशा, मैंने यार इसका रास्ता कहाँ से, वो सीढ़ियों वाला तो दिख रहा है लेकिन कहीं से पीछे से या कहीं से तो रास्ता होगा इसका जारी। अगर रास्ता हो, किला तो ऊपर है, किला है और ये मंदिर है कोई, है ना? ये दौसा का किला है क्या? नहीं नहीं, दौसा तो यार 50 मीटर आगे रह गया। अच्छा अभी हम दौसा में एंटर नहीं किए, जिला दौसा चल रहा है। जिला तो दौसा चल रहा है ना। हाँ ओके, तो हम जिला दौसा। अब बस कुछ क्षण और, मुश्किल से 2 मिनट बालाजी मंदिर पहुंचने वाले हैं हम, उसके बाद जय श्री राम। देख सकते हो जयपुर सीधा और मेहंदीपुर बालाजी के लिए जो ये कट आ गया। और फाइनली हम आ गए मेहंदीपुर बालाजी, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था कि कई बार जब मैं जयपुर से सीधा निकल जाता था जयपुर अजमेर, लेकिन फाइनली आज दर्शन होंगे। और अब हम ये गेट में एंटर करते हैं, ये हमारे बालाजी सरकार। और राजस्थान है तो थोड़ी गर्मी तो होगी और वैसे भी अब तो ऑलमोस्ट सर्दियां भी खत्म हुई, हम आए हैं तो गर्मी तो वैसे ही बढ़ जाएगी। हाँ बात भी सही है, जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, वो वाला डायलॉग। सही बात है। अरे वाह यार, काफला अच्छा कर दिया ये, अच्छा कर दिया बालाजी ट्रस्ट, है ना? लाइट का अच्छा लग रहा है। और आइए सोलर लाइट्स भी लगा दी, मैं भी ऑलमोस्ट 2 साल बाद आ रहा हूं। यज्ञ हुई थी, बहुत बड़ी यज्ञ हुई थी, बहुत अच्छा था। और रोड भी खाली है लग रहा है वैसे, मगर यार आज मंगलवार है तो शायद भीड़ तो काफी होगी, वो तो रोड ही खाली लग रहा है। लेट्स सी आगे देखते हैं। हटा ले भाई, कैसे लगा दी इसने, हॉर्न दो इसे। हाँ आ गए भैया, मिल गए मुझे लेके जा रहे हैं, आगे आगे चलते हैं। तो भाई अपनी एंट्री हो चुकी है और हम आ गए हैं, जो सामने वाले भैया चल रहे हैं इन भैया की वजह से अपनी वीआईपी वाली एंट्री हो चुकी है, क्योंकि अपन सीधा अंदर आ चुके हैं, नहीं तो अपने को पार्किंग में लगानी पड़ती है। ये अंजनी महल के सामने और काफी कुछ चेंज हो गया है यार। अच्छा, माता अंजनी देवी जी का मंदिर हुआ,
मुक्तिधाम, क्या बात है यार, ये मेरे टाइम पे बिल्कुल नहीं था। सच में काफ़ी चेंज हो चुका है और काफ़ी आश्रम, श्री राम आश्रम, काफ़ी अच्छे होटल्स और आश्रम्स बन चुके हैं। काफ़ी चेंज हो गए पहले से, बहुत चेंजिंग है यार, जब भी आता हूँ हर महीने बाद में चेंजिंग हो जाता है। वही तो, और काफ़ी रोड भी देखो काफ़ी चौड़ा हो गया यार ये रोड। कहाँ है तुम, पहले सिंगल था ना। मंदिर पे आ गए हम सीधे, मंदिर पे आ गए हम सीधे। वही तो हम बोल रहे हैं, भाई साहब जो हमें ले जा रहे थे वो भैया वो गायब हो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं। उन्हें हम गूगल पर सर्च कर रहे हैं। मंदिर पे पहुंच के आज तो गलत किया हमने, पार्किंग पे यार गाड़ी पार्किंग पे लगानी थी। क्या ये भी बन रहे हो तुम, हाँ वो हमारे पास गाय मतलब जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें साथ चल रहे हैं, तो उनकी बात माननी पड़ेगी। VIP तुम्हें वो चाहिए ना, लो अब मंदिर पे आ गए, अब गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे यार। गाइस ऐसा करो किसी दुकान के आगे चल लगा दो, उन भैया से पूछ के कुछ हेल्प मिल जाए कि भैया ये गाड़ी कहीं लगवा दो, कहाँ लगाई जाए। तो गाइस गाड़ी वैसे पार्क करने की जगह ढूंढते हैं, उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। मंदिर में कैमरा ले जाऊं, ले चलो वैसे फोटो अंदर, बाहर तो फोटो खींचेंगे ना, वैसे अंदर अलाउ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली गाड़ी पार्क करके काफी काफी अच्छा बना दिया है। और यहाँ ले लिया हमने प्रसाद, और ये काफी भीड़ है, बट यहाँ भी हमारी VIP एंट्री। सो मंदिर में दर्शन करने के बाद मिलते हैं। फाइनली दर्शन हो चुके हैं और कैमरा वगैरह गाड़ी में रख दिया था, और मंदिर में फोटोज ले नहीं सकते। वैसे ये विशाल भव्य मंदिर, काफ़ी मंदिर अंदर है, तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी इसलिए हमने फोटो नहीं लिए। जय श्री राम। वैसे आप बालाजी महाराज को यहाँ से ले सकते हैं। और ये मंगलवार की वजह से इतनी भीड़ होती हुई। तो गाइस फाइनली दर्शन हो गए, और हम जब से पानी ढूंढ रहे हैं, और बिल्लू पाजी से भी बोल रहे हैं कि यार पानी चाहिए पानी चाहिए। राजस्थान में पानी कमी होने के कारण हम पानी नहीं ले पाए। ओके पानी हम लेते हैं यहाँ से, बिस्लेरी पानी लिया जाए। बिलसेरी अरे लोग खुले नहीं हमें कहना है। तो गाइस मंदिर के बहुत अच्छे दर्शन हुए, और सीरियसली यार जो मैं ऑलमोस्ट 3 साल बाद आया, और 3 साल के बाद में जो अब जो मैंने देखा ना यार नज़ारा, वो अलग ही था। क्योंकि काफ़ी तो जो कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और अब इतना डेवलप हो गया। और मंदिर जैसे कि अभी जो भैया भी थे राजस्थान से हैं, उन्होंने बताया, तो गाइस जैसा कि मैं कह रहा था कि मंदिर के लिए 350 करोड़ जो पास हुए हैं, और सीरियसली यार इतना अच्छा डेवलप और इतना अच्छा भव्य मंदिर बना रखा है, और उनके साइड में जो श्री राम मंदिर आपने देखा, बहुत प्यारा मंदिर। तो अच्छे दर्शन हुए, VIP दर्शन हुए उन भैया की वजह से, अच्छा लगा। और अब हम चल रहे हैं ऑन द वे, वैसे प्लान अब बैक टू होम का ही है, तो इसलिए शॉर्ट जैसा कि मैं बताने वाला था कि शॉर्ट और सिंपल व्लॉग रहेगा। तो फाइनली हमारा जो वैलेंटाइन है वो आज हमारा ऐसे मनाया है, वैलेंटाइन डे है ना बल्लू पाजी, जैसा कि मैं बता रहा था मैंने, आज हमारा वैलेंटाइन डे आज हमारा ऐसे मनाया, बहुत अच्छा मना है आज वैलेंटाइन डे, जो कि बोलते हैं ना याद रहेगा। 14th February ट्यूसडे, ठंडा ज़्यादा है, ठंडा ज़्यादा है तो इतना ठंडा क्यों लिया है, कोई नहीं हो गर्म हो जाएगा। तो चलते हैं गाइस। जय श्री राम। अब ऑन द वे टू होम,
और जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने कलकत्ता वाली चाट खाई डोसा में, और काफ़ी हेल्दी डाइट हो गई। क्यों? बहुत अच्छा। और इतनी हेल्दी डाइट हो गई कि आप सच में पच नहीं रही है कुछ खाने का भी मन नहीं है। इनफैक्ट सोच रहे थे थोड़ा जूस लेंगे, लेकिन नहीं यार, काफ़ी हेल्दी, एकदम प्रोटीन विटामिन सारा भाई। कलकत्ता वाली चाट, मूंग की दाल, चने हैं, चने थे, और मतलब सही में यार मस्त थी। तो उसको खाने के बाद अब सेट हो गया काम, और अब टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, और आई थिंक हम 6-7 बजे के आसपास ऑन द वे टू होम। और टेम्परेचर यार राजस्थान में ये बात सही है, 30-31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। एक शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट व्लॉग रहेगा ये, और कैसा लगा ये बताना, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करो यार, कर दो भाई, कर दो, है ना, आपको पूरी दुनिया दिखा रहे हैं यार, कर दो कर दो। ये ज़्यादा शांत पट्टी का कारण है, हम लोग सोच रहे थे कि इस लाइन में आए, लेकिन एट लास्ट सब लोग निकल गए बगल में से, वो देखो हम रह गए लास्ट में, है ना। अभी ये गाड़ी यार, इसका मेरे को लग रहा है ना डिवाइस ही बहुत स्लो है, वो वैसे ट्रेस कर रहे हैं। कर ले भाई इसको ट्रेस कर ले, अब इसको भी वैसे ट्रेस करना पड़ेगा। तमिल थी ओके, और हम आ गए दोबारा भरतपुर, और टाइम हो गया ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं गाइस। वी एंटर एट भरतपुर, यहाँ कोई शादी हो रही है आई थिंक। क्या बात है, कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, सही बात है। हमने कहा ना बिल्लू पाजी, हमारा नसीब ही खराब है, ये वाली लाइन चलते जा रही है और ये वाली लाइन रुकी हुई है। कोरई टोल टैक्स सबसे बड़ा टोल टैक्स। हाँ जी बिल्कुल, कोरई टोल टैक्स के बारे में रिव्यू है कि कोरई टोल टैक्स सबसे बुरा टोल टैक्स, आते वक्त भी ऐसा ही हुआ था और अब जाते वक्त भी ऐसा ही हो रहा है, बहुत गंदे रिव्यूज। बल्कि ये हमारा लास्ट टोल है, और इस लास्ट टोल के बाद देखो कार्ड दिखा रहा हूँ, कार्ड दिखा रहा ये कैसी। तो इस लास्ट टोल के बाद